हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है सावन महीने की अंतिम सोमवार और मैं किस तरह से मेरी शिव जी की पूजा अर्चना करूंगी वही आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूं। उम्मीद करती हूं आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आएगा, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करती हूं। और यहां मैंने सारी जो तैयारियाँ है पूजा की सामग्री सभी को यहाँ ले लिया है और देख सकते हैं यहाँ मैंने दूध, घी, मधु, अगरू जो भी चाहिए एक साथ मैंने रखा है। और एक थाली में मैंने बेलपत्ता, दुब्बा, फूल ये सब तैयारी करके रखा है। और आज मुझे ये देखिए व्हाइट कलर के जो अपराजिता होते हैं वो भी मिला है। तो और यहाँ मैंने कुछ फल रखा है, तो यही से मैं आज मेरे शिव जी की पूजा अर्चना करूँगी। तो चलिए मेरे साथ बने रहिएगा और सबसे पहले मैं मेरे शिव जी को अभिषेक कर लूँगी। तो चलिए कर लेती हूँ। और सबसे पहले मैं जल से स्नान करा लूँगी। और जल से स्नान कराने के बाद मैं थोड़ी सी घी डालकर शिव जी को स्नान कराऊंगी। तो चलिए घी से पहले स्नान करा लेती हूँ। और घी से स्नान करने के बाद मैं दे रही हूँ शहद, और शहद डालकर भी थोड़ा सा मैं स्नान करा लूँगी। और लास्ट में डालूँगी दूध और दही एक साथ। तो चलिए अभिषेक कर लेती हूँ शिव जी की। और अब मैं दूध से अभिषेक कर लूंगी। और अभिषेक करने के बाद मैं थोड़ा सा हाथ में अगरू देकर मेरे भोलेनाथ जी को लगा लूंगी। और अब मैं चंदन का तिलक करूंगी और उसके बाद फूल बेलपत्ता अर्पण कर लूंगी। तो चलिए अर्पण कर लेती हूँ।
और फुल बेलपत्ता मैंने अर्पण कर लिया है। अब मैं प्रसाद निवेदन करूंगी। और प्रसाद में मैंने दिया है चना, केले, आम और नाशपाती, एप्पल, ये सब मैंने काट कर दिया है एक थाली में। और आज मैंने भोलेनाथ जी के लिए खीर बनाया है, तो प्रसाद में मैं खीर भी दे रही हूँ। और साथ में जल। तो चलिए प्रसाद निवेदन कर लेती हूँ, उसके बाद करूँगी आरती। तो चलिए आरती कर लेती हूँ, शिव जी के साथ साथ सारे भगवान जी की भी आरती करूँगी। तो चलिए मेरे साथ मेरे आरती में भी आप लोग बने रहिएगा। आरती के साथ साथ मैं भगवान जी को प्रणाम करके मेरी पूजा में समाप्त कर लूँगी। तो चलिए मैं आप लोगों को मेरी भोलेनाथ जी की एक बार दर्शन करा देती हूँ। और सावन के अंतिम सोमवार मैंने कुछ इस तरह से मेरी भोलेनाथ जी की पूजा अर्चना की है, देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरा ये छोटा सा वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आया है तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। और मेरे चैनल को अगर आप लोग ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए एक बार आप लोगों को मेरी सारे भगवान जी की भी दर्शन करा देती हूँ। और भोलेनाथ जी के साथ साथ मैंने सारे भगवान जी को भी खीर अर्पण की है प्रसाद में, देख सकते हैं। और ये देखिए मेरे कान्हा जी को। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को मेरा ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।